Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल आप लोगों के। आपका भाई, आपका दोस्त MSM आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुका है एक नए ब्लॉग के साथ। और हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद है माजिद हिरानी। क्या हाल है भाई? भाई खैरियत से? तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंधी मुस्लिम सोसाइटी तारिक रोड अल्लाह वाली चौरंगी के बिल्कुल ही अपोजिट। आज हम क्या खाने वाले, कौन से फूड का रिव्यू देने वाले, ये अभी तक कोई डिसाइड तो नहीं किया। पूरी फूड स्ट्रीट है भाई, चल के देखते हैं कि क्या हमारा मूड बनता है। तो फिर आपके साथ फिर वो शेयर करते हैं, ठीक है भाई? चलो तो आओ चले। तो यार इतने सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे कि मैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई किसका फूड रिव्यू आज हमने करना है। लेकिन इन दी एंड फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग जाते हैं बर्गर लैब पे। तो भाई चलते हैं बर्गर लैब और फिर उनका फूड रिव्यू करते हैं और देखते हैं वहाँ की जो स्पेशल आइटम होगा ना उसी को हम लोग खाएंगे आज और आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई चलो, पहुँच गए। अबे यार मैं कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहा हूँ। भाई आ गए ये बर्गर लैब, देखो खुला वुला है कि नहीं, खुला हुआ है ना। गेट से एंटर होते ही भाई डोनट्स भी रखे हैं ये, जबरदस्त है सफाई के हिसाब से भी, ना मक्खी ना मच्छर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं, साफ सुथरा माहौल है। साफ माहौल होगा तो फिर यार खाने में भी मजा आएगा ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप लोग के? अच्छा ये आपकी ये और कितनी ब्रांच है? एक ही अच्छा माशाल्लाह। और कराची में कितनी बताई आपने? कराची में 20+। अच्छा 20+। और आपका यहाँ पे सबसे फेमस आइटम कौन सा जो सबसे ज्यादा बिकने वाला हो? चिकन में लेंगे तो हमारा फायर हाउस बर्गर जो है सिग्नेचर बर्गर होता है। अच्छा अच्छा, चिकन में। और अगर बीफ में आपको ट्राई करना है तो बीफ में हमारा बिग टाइम बर्गर होता है, ये फेमस बर्गर है बीफ में। अच्छा। अभी न्यू है रेसिपी निकली है स्मैश बर्गर है, मेक योर ओन बर्गर। इसमें आप खुद कस्टमर चॉइस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। प्राइस में स्पेशल जो आपको लेना है, प्राइस जो है हमारे न्यू लॉन्च प्राइस हैं वो चिली लावा प्राइस है। अच्छा, रेगुलर फ्राइज भी आते हैं, लार्ज भी आते हैं। और बाकी हमारे सिग्नेचर फ्राइज में सबसे ज़्यादा हर आउटलेट से चलते हैं वो है एनिमल फ्राइज, एनिमल फ्राइज रेगुलर में होता है। भाई हमें क्या खिला रहे हैं फिर आज? आप कुछ रिकमेंड करें हमें, क्योंकि जाना मालूम नहीं है हमें। आप चिकन में ट्राई करेंगे बीफ में? चिकन आपको मिल जाएगी। और फायर हाउस बर्गर आप जो है अभी हमारा डिस्काउंटेड भी चल रहा है, फैमिली पैक के साथ ही हमारी डील चल रही है। अच्छा, मतलब डील्स वील चल रही है ना, डिस्काउंट भी मिलेगा जी। डिस्काउंटेड बर्गर 650 उसकी ओरिजिनल अमाउंट है, अभी वो 4 मेक में आपको मिल जाएगा। अच्छा वैसे 650 का है, इस पर डिस्काउंट का कितना चल रहा है? 400 का हो जाएगा आपको। 400 का, अच्छा खासा डिस्काउंट है यार। चले फिर, अभी काफी सारे ऑप्शन थे, कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं, सोच लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं एक दफा और। भाई हम तो हैं बीफ लवर, इसी वजह से हमने ऑर्डर किया एक बिग बैंग बर्गर, ये आप देख सकते हैं सिंगल में, और दूसरा है फायर हाउस, क्योंकि उसके अंदर डील चल रही थी कि यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने 649, लेकिन ये डील के साथ था 400 का। तो ये किया है और दूसरी जो चीज़ है तीसरी पलटे एनिमल फ्राइज, नाम ही ऐसा है यार, मतलब एनिमल फ्राइज तो पता नहीं कैसी होंगी, बड़ा मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। और इन्होंने बर्गर में एक नई रेसिपी लॉन्च की है स्मैश बर्गर के नाम से, ये आप देख सकते हैं ये
इसमें ये है कि आप अपनी मर्जी से बर्गर ऑर्डर करवा सकते हैं कि भाई ये हमें उसके अंदर ऐड करके तो ये डालना है, ये आप अपनी मर्जी से अपनी पसंद से जो है ना बर्गर बनवा सकते हैं। भाई ऑर्डर आ चुका है हमारा, एक तो अच्छी बात इनकी ये थी कि ऑर्डर जाना ज़्यादा टाइम नहीं लिया, हमने ऑर्डर किया तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर हमारा ऑर्डर आ चुका है। एक बात तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो बर्गर हमने मंगाए थे दो, जिसके अंदर था ये बिग बैंग, ये है बीफ का, ये आप देख सकते हैं बीफ पेटी डली हुई है, फिर चीज़ है, फिर उसमें अनियन रिंग भी बीच में ऐड किया हुआ है, और सॉस इसके साथ साथ जो है ना जलेपिनो और मशरूम वगैरह भी ऐड किए हुए हैं। इसके साथ जो है ना ये एक कोल्ड ड्रिंक डील में ये फ्री दी हुई है, और दूसरा ये है दूसरा बर्गर हमने ये मंगाया है, ये चिकन का बर्गर है फायर हाउस के नाम से। ये वैसे जो है ना यहाँ पे 649 का देते, लेकिन आज यहाँ पे जो है ना डील चल रही है, तो डील में इन्होंने 399 का ही आने चाहिए। और ये है एनिमल फ्राइज, और वाकई इसका नाम जैसा है ना वैसे ही बनी हुई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिग बैंग बर्गर से, जिसको देख के माउथ वाटरिंग हो रहा है भाई। भाई इन्होंने इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी, जलेपिनो, फ्राइड अनियन, मशरूम, सॉसेस वगैरह, कि उन्होंने टेस्ट को इतना उठा दिया कि भाई बीफ पेटी का तो टेस्ट साइड में ही रह गया कहीं। तो जनाब अब मैं लूँगा फायर बर्गर, मैं आपको दिखा दी कि इसके अंदर ये आइसबर्ग है, और ये चिकन पेटी है, और उसके ऊपर जो है ना ये मायो वगैरह डाल दिए। तो ये अभी मैं खा के बताता हूँ कि ये कैसा बना हुआ है, दिखने में तो अट्रैक्टिव सा लग रहा है। और मतलब ये इसका टेस्ट ऐसा ही है जिस तरह आप आम रेस्टोरेंट पे जिंगर बर्गर वगैरह खाते हैं ना, उसी तरह का टेस्ट है, बस थोड़ा सा स्मोकी टाइप है, थोड़ा सा जो है ना उस तरह का टेस्ट आ रहा है स्मोकी टाइप। अब बारी है एनिमल फ्राइज की, जिसको देख के मैं बड़ा ही उतावला हो रहा था कि कब इसकी बारी आएगी और मैं इसको ट्राई करूँगा। ये पहले मैं इसको हटा के चेक तो करूँ कि अंदर से क्या क्या गला हुआ है। के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, ये येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ डला हुआ है, ऊपर से सॉस डला हुआ है, और प्याज वगैरह ऐड किए हैं, और ये चिकन के पीसेज हैं, और ये साथ में फ्राइज है। तो अभी इसका अच्छा सा बाइट बना के ले लेते हैं इसको। कमाल हो गया भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है, और जैसा दिखने में लग रहा था, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर मैं तीनों आइटम्स की बात करूँ तो मुझे जो है ना बिग बैंग बर्गर और एनिमल फ्राइज ने काफ़ी इम्प्रेस किया। बाकी ये कि जो ये बर्गर था कौन सा था ये माजिद फायर हाउस, इसने तो कोई खास मुझे जो है ना मुतासर नहीं किया। मतलब ये आम का बर्गर जिस तरह आम छोटे रेस्टोरेंट से वो जिंगर बर्गर मिलता ना, उसी टाइप का इसका टेस्ट था। तो अकेम दोनों ने तो भाई इन तीनों चीज़ों का जो हमारा बिल बना है ना वो 1780 रुपये का बना है, उसके अंदर सेल्स टैक्स भी जो है ना वो इंक्लूड हुआ, तो ये दोनों चीज़ें मिला के 1780 रुपये का बिल बना है हमारा। तो व्यूअर्स अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल का नाम है MSM ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, आपके साथ मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में कुछ मुख्तलिफ खानों के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और भाई को करिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।